हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जेलिस इज माइन। आज बात करनी है आपसे, बात आपकी और मेरी, बात यहां पर काउंसलिंग को लेकर, आपके करियर ऑप्शंस को लेकर, आपकी कॉलेज को चूज करने को लेकर। बहुत सारे सवाल, डाउट आपके जहन में आते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अक्सर आप जब हमसे पूछते हैं तो यू नो काउंसलिंग के टाइम पर हम भी बिजी होते हैं, काउंसलर्स भी बिजी होते हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स आते जाती हैं, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, कैसे की सर्टिफिकेट बनेगा, बहुत सारी चीजें, नॉट एग्जैक्टली दिस राइट। जब हम जोसा की काउंसलिंग करते हैं तो आखिर हम चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें, कौन से कॉलेज को पहले रखें, ब्रांचेस वाइज किस कॉलेज को पहले रखें, और आखिर रैंकिंग वाइज कौन सा कॉलेज अच्छा है, इस पोजीशन पे 80% पे, 70% पे, 60, 65, 40% पे आखिर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर वो कॉलेज मिलेगा तो उसमें कौन सी ब्रांच मिलेगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सो आई वाज थिंकिंग कि ये बहुत सारी चीजें मैंने भी फेस की है, कई बार आपने मुझे देखा होगा पुराने काउंसलिंग में भी, डीटी की, जोसा की, राइट? क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? यस, I'm thinking about it. मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोर्स या एपिसोड या एक सीरीज अगर मैं लेके आता हूं तो आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझसे क्या चाहते हो, किस बारे में जानना चाहते हो, किस तरह के सवाल हैं जो जहन में आपके आते हैं कॉलेजेस को चूज करते टाइम। आप जहां से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जिस कॉलेज का देख रहे हो, तो उससे रिलेटेड किस किस तरह के डाउट्स हैं जो मैं उसमें इन्वॉल्व कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं, एक एपिसोड की सीरीज बना के लेके आता हूं, या फिर एक सिंपल सा कोर्स बना के लेके आता हूं कि मान लीजिए डीटी का, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर आप कैसे आपको पता चलेगा मैं ईडब्ल्यूएस में आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं, टीएफडब्ल्यू सीट आपको लेना है या नहीं लेना है, राइट? जोसा की काउंसलिंग करना है तो आईआईटीज की कैसे करना है, एनआईटीज की कैसे करना है, ट्रिपल आईटीज की कैसे करना है, कॉमेट में आपकी, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, समटाइम अगर आप तीन लोग जाओगे वहां तो क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आखिर किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होती है। So, I'm not a student, लेकिन मैं आपकी एक प्रॉब्लम समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, और उसका अगर मैं सॉल्यूशन दूं तो आप लोग मेरी, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, और उसके लिए क्या आप पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और अगर पे कर सकते हो तो कितना एक अमाउंट रखना मुझे चाहिए, एक नॉमिनल सा कि हर इंसान उसको ले सके, राइट? सो प्लीज ये कमेंट में इसलिए भी बताइएगा ताकि मैं अलग जोन के, हर जोन के, यहाँ डीटी से भी एक्सपर्ट, डीटी सेंटर भी जाके वहां से लोगों से एक एक आपके डाउट्स को कवर कर सकूं, राइट? ताकि आपको हर वो चीज में हेल्पफुल हो सके जो आप पूछना चाहते हैं, राइट? सो आई होप यू नो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं था, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए था जिनको वो डाउट, वो सवाल जहन में आने वाले हैं या फिर उनको लेकर प्रॉब्लम होने वाली है, तो क्यों ना हम मिलके, आप और मैं मिलके उसको एक सॉल्यूशन दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, और उनके साथ जो इंजीनियर करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग का देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.